हरे कृष्णा क्लासन, कैसे हैं आप सभी। आपका फिर से स्वागत है आपके अपने फेवरेट चैनल ज्ञानी कीड़ा में। तो फाइनली सीबीएसई वालों ने अपना एडिशनल सैंपल पेपर लॉन्च कर दिया है और बहुत ज्यादा हुआ बना रखा कि सर बहुत ज्यादा मुश्किल पेपर है। आप सभी ने पेपर तो देखा ही होगा कि क्या लेवल का पेपर आने वाला है। तो हर साल सीबीएसई जो है ना एग्जाम से पहले एक प्री अलर्ट टाइप का सैंपल पेपर जरूर लॉन्च करती है, सो दैट आप लोगों ने प्रिपरेशन को बहुत अच्छे से टाइट कर लो। तो क्या है सैंपल पेपर, कैसा रहने वाला, क्या होगा उसका सोल्यूशन, ये हम देखने वाले आज की वीडियोस में। अगर आप चैनल पे नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, क्योंकि ज्ञानी कीड़ा के प्लेटफॉर्म पे क्वालिटी कंटेंट मिलता है और ये केवल मिड टर्म के लिए नहीं, आपको फाइनल तक भी बहुत ज्यादा हेल्प मिलने वाली है। तो चैनल को सब्सक्राइब करके सेशन को लाइक कर देना अगर आपको वीडियो अच्छी लगती है। तो मेरा नाम है दीपक, आप देख रहे हो ज्ञानी कीड़ा, लेट गेट स्टार्टेड। तो एडिशनल सैंपल पेपर का पहला क्वेश्चन ये रहा भाई तुम सबके स्क्रीन के ऊपर। पहला क्वेश्चन क्या, बिल्कुल ध्यान से रीड करना, ठीक है, सुनो। देख के बड़ी कपकपी हुई होगी, पूरे पेपर को टेंशन क्यों लेते हो यार, ज्ञानी कीड़ा हमारे पास है ना, टेंशन मत लो। जब ज्ञानी कीड़ा से पढ़ रहे हो मतलब कोई दिक्कत नहीं आने वाली। सुनो, विच ऑफ द फॉलोइंग कुड बी द ग्राफ, भाई ये हमारे पास कोई पॉलीनोमियल दे रखा है और इसका ग्राफ कौन सा होगा, ये होगा, ये होगा, ये होगा या फिर ये होगा। तो आइए समझते हैं कैसे होगा, ठीक है। सॉल्यूशन देखने में बहुत ही डेंजर लग रहा है भाई, सबको डेंजर लग रहा होगा, हाँ ये ना सबको डेंजर लग रहा है, पर आसान लगने लगेगा कैसे, समझो ध्यान से। देखो पॉलीनोमियल का मतलब होता है पी एक्स, एक्स क्यू एक्स के टर्म पे है, तो आ गया कितना एक्स माइनस में वन का होल स्क्वायर और आ गया एक्स प्लस में टू निकल के आ गया। बोलो बात समझ में आई या फिर नहीं आई, सभी प्यारे बच्चों बात समझ आ गई, बिल्कुल समझ में आ चुकी होगी। मैंने कहा px का मतलब y भी होता है, चाहे y बोल लो चाहे px बोल लो, बात एक ही होता है ग्राफ के फॉर्म पे, ठीक है। तो ये आ गया हमारे पास y इज इक्वल टू एक्स माइनस वन का होल स्क्वायर और x प्लस में टू, ये बात भाई सभी बच्चों ने करी होंगी, हाँ या ना। और PXY होता है ये सबको पता, मैंने वन शॉट के लेक्चर में डिटेल में सारी बातें बताई, इसलिए कहता हूं ज्ञानी कीड़ा से मैथमेटिक्स अच्छे से पढ़ रही है, तुम्हारे 100 आउट ऑफ 100 गारंटेड आएंगे, सारे चीज में बता, चलो कुछ भी छोड़ता ही नहीं, मतलब सारी चीज बताता हूं आप लोगों, ठीक है। सुनना, तो वाई हमारे पास ये निकल के आ गया, अब क्या करें, अब क्या करें, एक बात बताओ थोड़ा सोचना हमें, यहां पर x की पावर 3 होगी, हाँ या ना, जब ये खुलेगा तो x की पावर 3 से खुलेगा, सॉरी x की पावर 2 से खुलेगा, ठीक है, कितना होगा x की पावर यहां पर 2 निकल के आएगी जब ये खुलेगा, और यहां पर एक और एक्स है तो कहीं ना कहीं एक्स की पावर 3 तो आएगी ही आएगी, तो हाईएस्ट पावर 3 निकल के आएगी, ठीक है। अब ये जो यू शेप ग्राफ होता ना, ये होता है क्वाड्रेटिक इक्वेशन का, पावर तो 3 आ गई और 3 में कभी क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं बनता, तो ये पैराबोला तो उसका आंसर नहीं हो सकता, तो आंसर या तो बी है या सी है या डी है, तो ये कट गया। अब इनमें से कैसे पता लगाएं, ये भी बहुत आसान है, चलो इसको मिटाते हैं। अब हमें थोड़ी सी यहां पर मेहनत करनी पड़ेगी, मेहनत तो करनी ही पड़ेगी। हम क्या करेंगे, हमें ना हम x की वैल्यू निकाल लेते हैं ग्राफ से और y को सेटिस्फाई करके देखेंगे, क्या कह रहा हूं मैं समझो इस बात को। मैंने क्या देखा इस ग्राफ में, यहां पर x 1 है तो y 0 है, यहां पर भी आपका x कितना माइनस 2 है, तो 1 और माइनस 2 में y 0 आ रहा है, ठीक है। सेम यहां पर भी 1 और माइनस 2 में जो है आपका y 0 आ रहा है, तो पहले चेक कर लेते हैं क्या 1 और माइनस 2 में वाकई में 0 आ रहा है या नहीं आ रहा, पहले हमें इतना कंफर्म करना पड़ेगा। तो हम क्या करेंगे, एट x इक्वल टू हम लोग 1 पे चेक कर लेंगे, इससे हम इन दोनों के बारे में पता लगा पाएंगे, अगर ठीक है बेटर बना इसमें कूद जाएंगे, ठीक है, कोई दिक्कत की बात नहीं है। तो x 1 रखेंगे तो y कितना आएगा, y आ गया हमारे पास 1 माइनस में 1 का होल स्क्वायर और 1 प्लस में 2 निकल के आ गया, ठीक है, जो कि हो जाएगा हमारे पास 0 मल्टीप्लाई बाय 3 जो कि 0 आ गया, बिल्कुल सही बैठ रहा है। इसका मतलब x जब 1 होगा, जब x 1 था तो y 0 है, दोनों में बात लागू होती है, मतलब ठीक है अभी तक तो, ठीक है। अब x माइनस 2 पे भी चेक कर लेते हैं, तो एट x इक्वल टू माइनस 2 पे चेक कर लेते हैं, तो y कितना आ गया, y आ जाएगा माइनस 2 माइनस 1 का होल स्क्वायर और माइनस का 2 प्लस में 2, इस तरह से आ जाएगा, ये माइनस 3 का स्क्वायर हो जाएगा और ये आपका 0 कितना आएगा हमारे पास, ये अगेन आपका 0 निकल के आ गया। इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब अभी तक ये भी इसका आंसर हो सकता है और ये भी इसका आंसर हो सकता है। अब इसकी मुंडी नीचे को है, इसकी मुंडी ऊपर को है, ठीक है, अभी होल्ड करते हैं, अभी यहां पर भी चेक कर लेते हैं, माइनस 1 पे और 2 पे भी हमें चेक करना पड़ेगा, तो एक काम करते हैं माइनस 1 पे चेक करके देखते हैं, ठीक है, माइनस 1 पे, तो एट x इक्वल टू माइनस 1, माइनस 1 पे भी 0 आना चाहिए इसके हिसाब से, d के हिसाब से, तो चेक करो, तो y आ गया हमारे पास माइनस 1 माइनस 1 का होल स्क्वायर और माइनस 1 प्लस में 2 जो कि आ गया माइनस 1, माइनस 1 माइनस का 2 होता है स्क्वायर 4 आ गया और ये 1, 4 1 जा 4, ना 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 बिल्कुल ना भाई, गलत बैठ रहा है, तो आपका d आंसर बिल्कुल नहीं हो सकता, तो आंसर आपका केवल या तो b होगा या फिर c होगा, ठीक है। तो हमने दोनों पॉइंट्स पे चेक कर लिए,
अब मुंडी नीचे होगी या मुंडी ऊपर होगी, इस बात का पता कैसे लगेगा वो देखो, ध्यान सुनना। ये जो माइनस फोर पे वाई एक्स कट कर रहा है, इसका मतलब जब आपका एक्स जीरो होगा तो वाई आपका माइनस का फोर आना चाहिए, ठीक है। और यहां पर टू पे कट कर रहा है, इसका मतलब जब आपका एक्स जीरो होगा तो वाई आपका टू आना चाहिए। हम एक काम करते हैं ना, एक्स को जीरो पुट कर लेते हैं, अगर वाई माइनस का फोर आया तो ये ग्राफ है, अगर एक्स माइनस का एक्स अगर एक्स जीरो में वाई टू आया तो ये वाला इसका आंसर होगा। अभी चेक कर लेते हैं फटाफट से, ठीक है। चलो इसको मिटा दूं फटाफट से। क्या सभी प्यारे प्यारे बच्चों को समझ में आ रहा है या नहीं आ रहा? आना चाहिए, ठीक है। बहुत ही आसान तरीके से डिटेल में सोल्यूशन बताऊंगा, टेंशन मतलब हर एक क्वेश्चन का बढ़िया तरीके से, ठीक है। सुनो, और ऐसा सोल्यूशन किसी और ने नहीं बताया होगा, इस बात की गारंटी भी हम लेंगे, ठीक है। चलो, तो एट एक्स इक्वल टू जीरो पर हम लोग चेक कर लेते हैं वाई कितना आ गया। तो वाई आ जाएगा जीरो माइनस वन का होल स्क्वायर और वन प्लस में टू, सॉरी जीरो प्लस में टू निकल के आ जाएगा, ठीक है, जीरो प्लस में टू। चलो भाई, तो कितना हो गया, ये हो गया हमारे पास माइनस, ये वन हो गया और टू आ गया, तो वाई आपका टू निकल, भाई जीरो रखने पर वाई टू आना चाहिए। अच्छा, जीरो रखने पर वाई टू आना चाहिए। तो आप बताओ इसका आंसर अब क्या होना चाहिए? इसका आंसर जो है ऑप्शन नंबर सी आएगा, ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। सभी को मेरे ख्याल से ये क्वेश्चन अच्छे से समझ में आ गया होगा। अब हम बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ, ठीक है। क्वेश्चन नंबर टू, ये आप सभी के स्क्रीन के ऊपर, तो पिछला वाला क्वेश्चन में ग्राफ जैसा था, ये वाला क्वेश्चन में ग्राफ जैसा है। अब जब भी ग्राफ देखते हैं पता नहीं क्यों लुप लुप होनी शुरू हो जाती है, सर ग्राफ वाले क्वेश्चन समझ में नहीं आते, अरे इतने आसान तो होते हैं। आइए रीड करते हैं, कह रहे द लाइन के वन है ना, द लाइन के वन के टू एंड के थ्री रिप्रेजेंट थ्री डिफरेंट इक्वेशन एज शोन इन द ग्राफ बिलो। यहां पर तीन लाइन है, कौन कौन सी लाइन है? ये हमारे पास के वन है, पहली लाइन आपकी ये है, ठीक है, और ये आपकी दूसरी लाइन है और ये आपकी तीसरी लाइन है। तो यहां पर तीन लाइन जो है रिप्रेजेंट कर रहे हैं के वन के टू और के थ्री से, ठीक है यहां तक, ओके। द सोल्यूशन ऑफ द इक्वेशन रिप्रेजेंटेड बाई लाइन के वन एंड के थ्री इज एक्स इक्वल थ्री एंड वाई जीरो, थ्री और जीरो। कह रहा है के वन और के थ्री का सोल्यूशन ये दे रखा है, देखो के वन ये रहा और के थ्री ये रहा। सोल्यूशन का मतलब होता है कॉमन पॉइंट जहां पर वो इंटरसेक्ट कर रहे होते हैं। तो ये पॉइंट हमें दे दिया है, कितना दिया है, थ्री कॉमा जीरो। तो यहां पर एक्स आपका थ्री होगा जीरो, ये हमें पॉइंट सोल्यूशन दे दिया, ठीक है यहां तक। इसने एक और सोल्यूशन दे रखा है के टू और के थ्री का, तो ये हमारे पास के टू है और ये हमारे पास के थ्री है, तो इंटरसेक्टिंग पॉइंट ये है, तो ये सोल्यूशन कितना दिया है, फोर कॉमा वन। तो ये पॉइंट हमें दे रखा है फोर कॉमा वन। इतनी बात मेरे ख्याल समझ में आ चुकी है। अब हमसे पूछ रहे बताओ कि विच ऑफ दीज इज द इक्वेशन ऑफ द लाइन दिस, ठीक है। तो हमें के वन के टू इक्वेशन दे रखिए, अब के थ्री है पी एक्स प्लस क्यू इक्वल टू वन, तो कह रहा है के थ्री की इक्वेशन फिर क्या बनेगी? आपने क्या करना है, इसको भूल जाओ, के वन को भूल जाओ, के टू कुछ नहीं दिख रहा हमें, हमें ये कुछ भी नहीं दिख रहा, हमें सिर्फ एक स्ट्रेट लाइन दिख रही है और ये स्ट्रेट लाइन दो पॉइंट से पास कर रहा है। और अगर कोई भी इक्वेशन अगर पॉइंट से पास कर रहा है तो वो इसके सोल्यूशन होते हैं। इसका मतलब इसका ये भी सोल्यूशन है और इस इक्वेशन का ये भी सोल्यूशन है। तो आइए हम लोग से करने का प्रयास करते हैं, ठीक है। आई होप आपको समझ में आ रहा है और एंजॉय करो। अगर मजा आ रहा है साथ साथ में तो वीडियो को लाइक करके जो है चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना, अपने सारे फ्रेंड में शेयर कर देना, ठीक है। चलो, तो क्या हमारे पास इक्वेशन है पी एक्स प्लस में क्यू वाई इज इक्वल टू हमारे पास वन दे रखा है, ठीक है। तो सोल्यूशन, पहला सोल्यूशन क्या दे रखा था हमें, फोर कॉमा वन। तो एक काम करते हैं, ठीक है, फोर कॉमन मान लेते हैं, पहले ये लेते हैं थ्री कॉमा जीरो, ठीक है। तो एक्स आपका थ्री था और वाई आपका जीरो, ये हमारे पास सोल्यूशन है, ठीक है। मतलब एक्स दे रखे वाई दे रखा, पुट करो तो पी इंटू एक्स आपका थ्री है प्लस में वाई जीरो है, तो क्यू इंटू जीरो इक्वल टू वन आ गया, ठीक है। तो यहां से थ्री पी इज इक्वल टू वन आ गया और हम कह सकते हैं पी इज इक्वल टू वन अपॉन पे थ्री निकल के आ गया। तो पी तो भाई निकल के आ गया वन अपॉन पे थ्री, बहुत सिंपल था, ठीक है। अब हमें क्या करना है, दूसरा सोल्यूशन क्या दे रखा है बताओ, हमें एक्स दे रखा है फोर एंड और वाई हमें कितना दिया हुआ है वन दे रखा है, ठीक है। फोर कॉमन पास कर ना, तो इसका क्या होगा, सोल्यूशन होगा, ठीक है। चलो, और यहां पर आ गया पी एक्स, तो पी इंटू एक्स हमारे पास फोर हो गया प्लस में कितना आएगा क्यू इंटू वाई और वाई हमारे पास वन है इक्वल टू हमारे पास कितना वन दे रखा है। अब पी वन अपॉन थ्री है तो ये हो गया फोर अपॉन पे थ्री प्लस में क्यू जो है वो वन के बराबर हो गया। अब यहां से हम लिख सकते हैं और क्यू कितना आ गया, क्यू आ गया वन माइनस में फोर अपॉन पे थ्री, नीचे वन लगा दोगे तो आ गया थ्री माइनस में फोर अपॉन पे थ्री, तो क्यू आ गया माइनस वन अपॉन थ्री, क्यू कितना आ गया माइनस का वन अपॉन थ्री जो है वो Q निकल के आ गया। तो P और Q मैंने यहां पर निकाल लिए, ये हमारे काम का नहीं है, इसको मैं यहां पर अभी फिलहाल मिटा देता हूं, ठीक है। बोलो यस और नो, ठीक है। चलो इसको डाउन, ठीक है, P भी आ गया और Q भी निकल के आ गया, अब हो गया काम खत्म। चलो भाई, दोनों इक्वेशन आ गई हैं, P कितना हमारे पास 1 अपॉन 3, तो 1 अपॉन बाई 3 इंटू एक्स ऑफ ए प्लस में क्यू वाई, क्यू कितना है माइनस का 1 अपॉन 3 इंटू वाई इज इक्वल टू कितना 1 दे रखा है, तो हो गया एक्स
माइनस में वाई अपॉन पे थ्री इज इक्वल टू वन हो गया, तो एक्स माइनस वाई कितना थ्री बन जा, थ्री निकल के आ गया, तो कौन सा होगा ऑप्शन नंबर एक्स माइनस वाई इज इक्वल टू थ्री, ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। तो ए बिल्कुल सही आंसर होने वाला है। तो दिखने में भले ही लग रहा हूं मुश्किल सा, पर मेरे को नहीं लगता कुछ ऐसा मुश्किल इसमें दे रखा था, ठीक है, बस ये थोड़ा सा समझना है, शांत रखना पहली बात अपने आपको, ही नहीं हुआ नहीं अरे सर ये क्या हो गया, ये क्या हो गया, ये क्या हो गया, ठीक है। जिस तरीके से आप सभी को पता है इंडिया और पाकिस्तान के मैच में पाकिस्तान के बॉलर का हवा बन गया था पहले वाले मैच में, जिसमें बहुत बुरा हाल हुआ था, लेकिन जब वो हवा टूटा, मतलब जब नेक्स्ट में एक लाइन बोली वहां पर कमेंटेटर, बड़ी मस्त लगी कि मतलब बॉलर को मत खेलो, बॉल को खेलो, समझ रहे हो, इसे बैट्समैन क्या है, अब भाई बॉलर का नाम बनाओ, हवा बनाओ कि भाई ये बॉलर बड़ा डेंजर है, अब तुम बॉलर बहुत डेंजर, वही बॉल डाल रहा है तो तुम डगमगाते रहोगे और आउट हो, विकेट देके आओगे। हमें बॉलर को नहीं खेलना है, हमें बॉल को खेलना है। तो क्वेश्चन चाहे आरडी शर्मा से हो, चाहे आरएस से हो, चाहे कितना ही मुश्किल हो, हमें आरएस अग्रवाल से क्वेश्चन नहीं खेलना, सॉल्व करना, हमें आरडी वाले क्वेश्चन नहीं, हमें सिर्फ ये सोच के सॉल्व करना है कि ये क्वेश्चन जो है वो आसान है और सिर्फ एक क्वेश्चन है, और क्वेश्चन को सॉल्व करना हमारा कर्तव्य है, हमने पढ़ा हुआ है और हमें अपने जो भी चीजें सीखी हैं, जो कॉन्सेप्ट सीखा है उसको झोंक के इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। एडिशनल पेपर है, बहुत डेंजर, सुना आरडी शर्मा से आया है, सुना यहां से दे दिया है, सुना ओलंपियाड से दे दिया, ये सब नहीं, हमें वो चीज नहीं देखना, हमें सिर्फ क्वेश्चन इसको एक्सेप्ट करना एज अ क्वेश्चन बस, और कुछ नहीं, कोई दिक्कत नहीं आएगी। बात समझ में आई या नहीं आई, अब हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन थर्ड, ये रहा आप सभी के स्क्रीन के ऊपर, ये काफी आसान क्वेश्चन था। अब देखो ये कितना बच्चों वाला क्वेश्चन है, क्या बोला गया इसमें, व्हाट इज या आर द रूट ऑफ दिस, इसके रूट्स क्या क्या होंगे, ठीक है। अब बच्चे गलती क्या करते हैं इसमें, सुनो सुनो सुनो, गलती क्या होती है भाई, सिंपल सी बात है, 3x² इज इक्वल टू 6x आ गया। अब आते हैं जो एकदम प्रो लेवल के बच्चे, सर दिस इज वेरी सिंपल क्वेश्चन, एक x से स्क्वायर खत्म हो गया एंड 3x इज इक्वल टू 6 और x इज इक्वल टू 2 और दैट्स इट सर, एंड ऑप्शन ए इज द राइट आंसर, और ये हो गया गलत। क्या हो गया, गलत हो गया। क्यों हो गया गलत भाई, सिंपल सी बात है, अगर पावर कितनी है, पावर 2 है, तो हमने सीखा है जब कभी भी पावर 2 होती है तो उसके दो रूट्स आते हैं, तुमने इस हिसाब से तो एक ही रूट निकाला, दूसरा कहां है, तो ये तरीका क्या हो गया, ये तरीका हमारा गलत हो गया, तो ऐसे आंसर नहीं आएगा। तो आंसर कैसे आएगा, मैं ऐसे आएगा, 3x² बराबर में आपका 6x है, हाँ ठीक है, और 3x² इसको इस तरफ लाएंगे तो माइनस का 6x आ गया, ठीक है, इक्वल जो, ये सही तरीका, पहले इक्वेशन बना लो, स्टैंडर्ड फॉर्म में लिख लो पहले। अब 3x कॉमन कर लो, कितना आ गया, x माइनस में 2 निकल के आ गया, इक्वल टू 0 हो जाएगा, तो एक बार 3x बराबर में 0 करो और एक बार x माइनस 2 बराबर में 0, ठीक है, यहां से x हमारे पास 2 निकल के आ गया और यहां से x 0/3 0 होता है, तो 0 भी इसका आंसर होगा और 2 भी आंसर होगा, 0 एंड 2, ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट आंसर। क्या सभी को समझ में आया, ये काफी सिंपल बेसिक सा क्वेश्चन था, आप सबको आता होगा। नेक्स्ट 4, और हाँ मुझे एक बात जरूर बताना कि जब आपने पहली बार एडिशनल पेपर देखा तो इसमें से कितने ऐसे क्वेश्चन थे जो कि आपको आते थे और कितने ऐसे क्वेश्चन थे जिसके लिए आप मेरी वीडियो देख रहे हो, मुझे ये जानना है, ठीक है। चलो नेक्स्ट कह रहे हैं, व्हाट आर द कोऑर्डिनेट्स, द कोऑर्डिनेट ऑफ द सेंटर, सेंटर का कोऑर्डिनेट दे रखा है भाई, सर्कल है तो सेंटर भी होगा, सेंटर है तो पॉइंट दे दिया उसका, ठीक है, एंड अ पॉइंट ऑन द सर्कल, और एन जो पॉइंट है वो सर्कल में लाई कर रहा है, कहीं भी हो सकता है, ये डायग्राम दे रखा है, ठीक है। व्हाट इज द रेडियस, रेडियस क्या होगा, रेडियस अब यहां सेंटर से क्या था डिस्टेंस, इसको हम रेडियस बोलते हैं, मतलब ओ एन, ओ से एन तक का डिस्टेंस क्या होगा हमारे पास, वो होगा रेडियस, ठीक है। डिस्टेंस कैसे निकालते हैं बोलो, डिस्टेंस फॉर्मूला से क्या होता है वो, x2 माइनस में x1 का होल स्क्वायर, ठीक है, और प्लस में y2 माइनस में y1 का होल स्क्वायर, भाई यही तो होता है, ठीक है। तो ओ एन तो बहुत सिंपल क्वेश्चन था, कितना आ गया था x2 तो माइनस 2.4, ठीक है, माइनस 2.4 माइनस माइनस x1, तो ये देखो एक माइनस है और आपका ये ऑलरेडी माइनस 4, तो माइनस मतलब प्लस 4, तो मैं प्लस 4 करके होल स्क्वायर लिखता हूं इस तरीके से, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, कंफ्यूज मत होना, ठीक है। y2 1.8 माइनस 3, ठीक है, तो 1.8 माइनस 3 का भी होल स्क्वायर मैंने कर दिया, ठीक है। तो ON कितना है बताओ, अब 4 में से 2.4 गया, ठीक है, माइनस प्लस माइनस 4 में से 2.4 घटाने, तो अब कितना आ गया 1.6 आ गया, तो 1.6 का होल स्क्वायर आ गया, ठीक है, और प्लस में ये आ गया आपका माइनस का 1.2 का होल स्क्वायर, ठीक है, ओके, तो ये आ गया आपका 1.6 का स्क्वायर 2.56 और ये आ गया 1.44, ठीक है, स्क्वायर करना आना चाहिए, शॉर्ट ट्रिक वीडियो बना रखी है मैंने, ठीक है, तो आगे कितना 4.00 या फिर कह सकते हैं स्क्वायर रूट ऑफ 4, क्योंकि कितना आ गया 2 आ गया, तो 2 यूनिट जो है इसका आंसर आ गया, तो रेडियस कितना आ गया, तो रेडियस हमारे पास आ गया 2 यूनिट, और जो कि है
ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। तो पॉइंट वॉइंट देख के कुछ नहीं, तो मैं मान के चलूंगा कि क्वेश्चन नंबर 3 जो है और क्वेश्चन 4 ये बहुत ही ज्यादा सिंपल क्वेश्चन थे और आपने एक ही बार में जो है इसको कर भी लिया होगा। ठीक है, ओके, अब आगे चलते हैं। हमारे पास क्या कह रहा है, 5 इन ट्राइंगल पी क्यू आर इज शोन बिलो। एक ट्राइंगल दे रखा पी क्यू आर, है ना, ये पी क्यू आर ऐसा ट्राइंगल दे रखा है। फिर कह रहे इफ एस टी, अगर एस टी जो है डिवाइड्स द रेशियो 2:3, मतलब ये 2 हमारे पास है और ये 3, 2:3 में डिवाइड कर रहा है, ठीक है, ओके, देन व्हाट इज द लेंथ ऑफ एस टी, तो हमें एस टी निकालना क्या होगा। अब ध्यान सुनना, ध्यान सुनना, हमें एस टी निकालना है, क्या निकल गया, क्या हिसाब किताब बनेगा, सुनो सुनो। तो एस टी जो है इसको 2:3 में डिवाइड कर रहा है, ठीक है, और इस बड़े ट्राइंगल पे और इस छोटे ट्राइंगल पे, तो मैं क्या लिखूंगा, क्या लिखूंगा, इन ट्राइंगल, बड़ा वाला कौन सा ट्राइंगल, पी क्यू आर, ध्यान सुनना, पी क्यू आर, एंड छोटा ट्राइंगल कौन सा, एस क्यू टी, ठीक है, ट्राइंगल एस क्यू टी, इन दो ट्राइंगल में ध्यान से देखो, सुनो, ये वाला एंगल बराबर है, एंगल आर जो है एंगल टी के बराबर है, क्वेश्चन में गिवन है, और एंगल क्यू दोनों में कॉमन है, इसका मतलब ये छोटा ट्राइंगल और बड़ा ट्राइंगल जो है क्या है, आपस में सिमिलर है, ठीक है, तो प्रॉपर लिखने नीड नहीं है, तो मैं यहां पर लिख रहा हूं कि ट्राइंगल ट्राइंगल पी क्यू आर जो है वो सिमिलर है ट्राइंगल एस क्यू टी, ये वाली बात समझ में आ गई भाई, सिमिलर है, जब सिमिलर है कोई दो ट्राइंगल सिमिलर होते हैं तो उन्हें करस्पॉन्डिंग सर्कल का रेशियो सेम होता है, तो बड़े वाले ट्राइंगल मैंने क्या ले लिया, क्यू आर ले लिया, क्योंकि डाटा गिवन है जो देर को मैं चलूंगा, तो क्यू आर ले लिया मैंने, ठीक है, तो अगर बड़े वाले मैंने क्यू आर लिया है तो छोटे वाले में क्या लूंगा, मैं लूंगा क्यू टी, क्यू टी नीचे क्यू टी निकल के आगे, ठीक है, फिर मेरे बड़े में क्या दे रखा है, अब भाई बड़े में कोई दे रखा पी आर, तो मैंने बड़े से प्यार ले लिया, बड़ों से प्यार लेना चाहिए, और बड़े में अगर पी आर है, पी आर है, तो छोटे में क्या आएगा, एस टी निकल के आएगा, एस टी, और ये आ गया एस टी, और हमें क्या निकालना है, हमें एस टी ही तो निकाला, तो एस टी भी लेके आ गया मैं, ठीक है। अब क्यू आर कितना है, क्यू आर है 3+2, 5 निकल के आ गया, ठीक है, और क्यू टी कितना है, क्यू टी 2 दे रखा है, और पी आर कितना है आपका 20 दे रखा है, और एस टी हमें नहीं मालूम, एस टी का ही रहेगा, ठीक है, तो काटो 5 × 20, ठीक है, तो आ गया 1/2 = आ गया 4/ST, और क्रॉस करेंगे तो एस टी आ गया हमारे पास 8 cm, कितना आ गया, एस टी आ गया 8 cm, ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर, ठीक है, कितना आ गया एस टी 8 cm निकल गया। बोलो बात समझ में आई, क्या सभी प्यारे प्यारे बच्चों को बात समझ में आ रही है या नहीं आ रही, ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं 6, क्या बोल रहे हैं, 2 scalene ट्राइंगल्स आर गिवन बिलो। स्केलन ट्राइंगल का मतलब क्या होता है पता है, नहीं पता ना, मैं बताता हूँ, स्केलन का मतलब होता है जिसका कोई भी अता पता नहीं है, अलग अलग ट्राइंगल्स है, इक्वल वगैरह कुछ भी नहीं, ठीक है, थोड़ा पानी पीते फिर आगे बढ़ते हैं, ओके, जब तक तुम सेशन को लाइक करो फटाफट से। ओके, 2 scalene ट्राइंगल दे रखे इस तरीके से, ओके, अनस एंड ऋषि ऑब्जर्व देम एंड सेंड। अनस और ऋषि ने भाई अपनी अपनी बुद्धि क्षमता के हिसाब से दोनों ने ऑब्जर्व करा, फिर बोला, अनस कहता है पी क्यू आर और ए बी सी सिमिलर है, अच्छा, ऋषि कहता है पी क्यू आर और इसे कॉन्ग्रेंट है, अच्छा, अब हमें बोल रहा है इनमें से कौन सही है, अनस सही है, ऋषि सही है, दोनों सही है या दोनों गलत है, कौन सा ठीक है। अब मान लो मैं नॉर्मल, अभी हमने पता, मैं देखो ट्राइंगल्स में मैंने सिमिलर वाली बात पढ़ी थी, अब सिमिलर पहले कर लेते, फिर कॉन्ग्रेंट पे आएंगे, ठीक है, किसी भी दो ट्राइंगल पे देखो, इस ट्राइंगल पे एंगल पी जो है, एंगल पी जो है इस ट्राइंगल, देखो सेम साइन बना ना, एंगल सी के बराबर है, और इसमें एंगल आर जो है वो इसमें एंगल ए के बराबर दे रखा है। जब किसी दो ट्राइंगल के अंदर, जब किसी दो ट्राइंगल के अंदर कोई भी दो एंगल बराबर हो जाए तो ट्राइंगल सिमिलर होते हैं बाय यूजिंग एंगल एंगल क्राइटेरिया, तो हम बोलेंगे भाई ट्राइंगल जो है पी आर क्यू जो है वो सिमिलर ट्राइंगल किसके, सी ए बी के, ये सिमिलर होंगे, तो एक सी जो आर किसके बराबर है, आर ए के, पी आर क्यू, सॉरी पी क्यू आर लिखा ना, पी क्यू आर लिखा, तो पी क्यू आर करो सही, उठ जाओ, तो हम बोलेंगे पी क्यू आर, पी क्यू आर जो है वो सिमिलर है ट्राइंगल पी के कॉरेस्पॉन्डिंग के सी, ठीक है, और सी बी ए के, तो इसका मतलब सिमिलर तो ये है भाई, मानना पड़ेगा, तो अभी अनस जो है ठीक बोल रहा है, अनस तो ठीक बोल रहा है, अब एक काम करते हैं ऋषि का चेक करते हैं, अब कॉन्ग्रेंसी के लिए क्लास 9 पे जाना पड़ेगा, दो ट्राइंगल कॉन्ग्रेंट करने के लिए क्या क्या चीज होती है, देखो ध्यान से, एंगल पी जो है वो एंगल सी के बराबर है, ठीक है, ओके,
और एंगल आर जो है वो एंगल ए के बराबर है, ठीक है, और दो एंगल बराबर है, ठीक है, दो एंगल बराबर है और इसमें दो एंगल बराबर है, लेकिन क्या है, लेकिन क्या है, लेकिन क्या ना, आपको एक प्रॉपर्टी पता होगी क्लास 9 पे, वो प्रॉपर्टी क्या थी, एंगल साइड एंगल, क्या थी, एंगल साइड एंगल की प्रॉपर्टी थी, मतलब अगर किसी दो ट्राइंगल पे अगर दो एंगल बराबर हो और इंक्लूडिंग साइड, और ये एस क्या होता है, इंक्लूडिंग साइड, क्या होता है, इंक्लूडिंग साइड, बात समझ में नहीं आई, एस क्या होता है, इंक्लूडिंग साइड, मतलब अगर मैंने ये दो एंगल लिए है ना, तो इंक्लूडिंग क्या है इसमें, पी आर है, और जो मैंने दो एंगल लिए तो इंक्लूडिंग क्या है, ए सी, तो हमारे पास ये अगर 3 सेंटीमीटर होता तो ये कॉन्ग्रेंट भी बन जाता, पर इंक्लूडिंग साइड ना देखे हमें दूसरी साइड ऐसे बराबर आ रही है तो हम क्या कहेंगे कि ये कॉन्ग्रेंट नहीं है, बोले बात समझ में नहीं आई, कॉन्ग्रेंट नहीं है, इसका मतलब क्या है, केवल अनस जो है वो सही है, ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर, ओनली अनस इज ट्रू, और साथ में ऋषि कब ट्रू होता, जब 3 सेंटीमीटर ये ना देके ये वाला देता तो हमारे पास ऋषि भी ठीक ठाक बैठ जाता, क्यों, क्योंकि एंगल साइड एंगल की सिमिलर कॉन्ग्रेंसी की क्राइटेरिया होती है, आप सबको समझ में आ गई, ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं 7 क्या बोल रहा है, कोई क्वेश्चन अगर ना समझ में आया ना तो एक बार पीछे करके देखना, पर समझना, स्किप कुछ भी नहीं करना, मैं सारी बातें डिटेल में बता रहा हूं, कुछ भी ऐसा नहीं है जो छोड़ने लायक हो, ठीक है, चलो ओके, हर्षा मेड अ विंड चाइम यूजिंग अ फ्रेम एंड मेटल रॉड्स, शी पंच्ड 8 होल्स इन द फ्रेम एंड 2 सेंटीमीटर अपार्ट, ईच 2 सेंटीमीटर अपार्ट, ठीक है, तो 8 होल करें तो कितने, 8, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, और हर होल जो है 2-2 सेंटीमीटर दूरी पर है, ठीक है, ओके चलते हैं, एंड देन हंग 6 मेटल रॉड, और यहां पर 6 मेटल के रॉड मतलब लटका दिए हैं, ठीक है, एज शोन इन द फिगर, जैसे फिगर में दिख रहा है, द एंड ऑफ द मेटल रॉड्स आर अलाइन ओवर अ लाइन, ठीक है, शोन बाय डॉटेड लाइन, ओके, तो ये हम इस तरीके से अलाइन किए गए हैं, एक पैटर्न पे है प्रॉपर ही, ठीक है, इन इफ ऑल ऑफ द रॉड आर स्ट्रेट एंड नॉट स्विंग, अगर सारे स्ट्रेट है और एक दूसरे चिपक नहीं रहे तो बताओ इन लेंथ रॉड पी, तो पी रॉड की लंबाई क्या होगी, और पी रॉड कौन सी है, ये वाली रॉड हमारे पास क्या है, रॉड पी है, ठीक है, ध्यान सुनना, इसकी लंबाई में, इस वाले रॉड की लंबाई निकालनी है, इस क्वेश्चन को हम लोग बड़े आराम से जो है अर्थमेटिक से सॉल्व किया जा सकता, कैसे, सुनना सर, मान के चलो हमारे पास क्या है, पहले वाले की लंबाई 29 है, ये सारे ना एक रेगुलर इंटरवल पे डिक्रीज हो रहे हैं, तो मान लो हमारे पास क्या है, ये फर्स्ट ए जो है 29 है, ए कितना आ गया लेंथ हमारे पास 29, तो ए भी कैसे बनेगी, हमारे पास आ गया 29, बोलो कितना आ गया, 29 निकल के आ गया, ठीक है, और फिर या फिर सीधा बोलो ए, ए पी नीड भी नहीं, सीधा लिख सकते हम लोग, ए कितना आ गया, ए हमारे पास 29 निकल के आ गया, ठीक है, दूसरा हमारे पास क्या है कि अब देखो ध्यान से, अगर यहाँ दो रॉड मिसिंग है, एक यहाँ मिसिंग है, एक यहाँ मिसिंग है, तो कुल कितने, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, अभी मैं 8 लेके चल रहा, ठीक है, हमारे पास क्या लेके चल रहा हूँ, मैं 8 लेके चल रहा हूँ, तो 8th वाला दे रखा आपको 6, इसका मतलब ए 8 जो है वो हमें कितना दिया हुआ है, 6 दे रखा है, ठीक है, तो डी निकल जाएगा यहाँ से, बताओ, तो ए प्लस में 7D, ये हमारे पास 6 दे रखा है, ठीक है, और ए 29 है प्लस में 7D इक्वल 6 दे रखा है, तो 7D कितना आ गया, 6 माइनस में 29 आ गया, तो 7D कितना आ गया, 23 निकल के आ गया, और D कितना आ गया, माइनस का 23 अपॉन पे 7, तो D कितना आ गया, माइनस का 23 अपॉन 7, D निकल के आ गया, इतने का डिफरेंस होने वाला, ठीक है, हमें कौन सा निकालना है, फर्स्ट यहाँ पर मिसिंग है, फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ फिफ्थ, A5 हमें निकालना कितना होगा, चलिए निकालते हैं, तो A5 कितना आ गया हमारे पास, वो आ गया A प्लस में 4D निकल के आ गया, अब A कितना बताओ, 29 है, 29 प्लस में 4D कितना है, D है हमारे पास माइनस का 23 अपॉन पे 7, ठीक है, तो आ गया 29 माइनस में 4 3 12, 4 2 8 9 अपॉन पे 7, क्रॉस करेंगे, एलसीएम सॉल्व करेंगे, 63, 7 2 14 20, 203 माइनस में 92, ठीक है, अपॉन पे 7, जो कि आ गया कितना आ गया, 1111 अपॉन पे 7 सेंटीमीटर, ये आपका जो है A5 आ गया, और यही हमारे पास फिफ्थ लेंथ की रॉड निकल के आएगी, 111/7, ऑप्शन डी इज द राइट आंसर, तो ये क्वेश्चन बहुत ही ज्यादा आसान तरीके से सॉल्व हो जाता है अगर हम एपी का इस्तेमाल करेंगे, ठीक है, इसको मैंने फर्स्ट रॉड मान लिया, 29 ए 29 हो गया और 8 है तो ए, तो यहां भले रॉड नहीं है पर आप तो टोटल गैप देखोगे, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 है ना, तो 8 आपका 6 हो गया, तो ए 8 6 हो गया, ए 29 हो गया, दोनों से हमने डी निकाल लिया, अब ए पर चल गया, डी पर चल गया, हमें ए 5 की लंबाई निकालनी है, तो ए 5 कितना आ गया, ए प्लस 4D, और वहां से आराम से आंसर निकल के आ चुका है, नेक्स्ट चलते हैं 8, ये आप सभी के स्क्रीन के ऊपर, चलिए क्या बोल रहे हैं, 2 circles विथ सेंटर O एंड N, तो एक सेंटर O से एक सर्कल है और एक N से दे रखा है, ठीक है,
टच कर रहे पी पॉइंट पे, ठीक है। ओ एंड पी एंड आर कॉलिनियर, ये कॉलिनियर मतलब स्ट्रेट लाइन है, ये तीन पॉइंट कॉलिनियर का मतलब क्या है, स्ट्रेट लाइन दे रखा, ठीक है ओके। द रेडियस ऑफ सर्कल सेंटर ओ इज ट्वाइस ऑफ, अच्छा इसका जो रेडियस है ना दोगुना है इसका, तो ये टू आर होगा दोगुना है और ये आर है तेरे का, ठीक है कोई दिक्कत नहीं है। ओ एक्स इज टेंजेंट सेंटर ओ एक्स, ओ एक्स आपका 18 सेंटीमीटर दे रखा है ये पूरा, ठीक है कह रहा है ओके। तो ये हमें क्लोज करते हैं, ये रेडियस है कितना आर दे रखा है, ये 90 डिग्री एंगल बनता है इस तरीके से, ठीक है। तो पूरे ट्राइंगल की अगर मैं बात करूँ इस पूरे ट्राइंगल पे, ठीक है, तो ये आपका परपेंडिकुलर हो गया, ये आपका बेस हो गया, और ये क्या हो गया, ये हमारे पास हाइपोटेनियस हो गया, ठीक है ठीक है। तो क्या करेंगे, पाइथागोरस चाचा को याद करेंगे। चलो भाई याद करते हैं, क्या कहा था उन्होंने, उन्होंने कहा था भाई ओ एक्स का स्क्वायर, नहीं नहीं ओ एक्स नहीं, हाइपोटेनियस क्या हमारे पास एच है ना, तो ये ओ एन का स्क्वायर, तो ओ एन का स्क्वायर किसके बराबर आएगा, ओ एक्स का स्क्वायर प्लस में एक्स एन के स्क्वायर के बराबर आ गया, ठीक है। अब ओ एन कितना है, टू आर यहां से आ तक और यह थ्री आर, तो थ्री आर का स्क्वायर इक्वल टू ओ एक्स कितना है, ओ एक्स हमारे पास 18 का स्क्वायर प्लस में एक्स एन, एक्स एन कितना आर का स्क्वायर, ठीक है, तो 9 आर का स्क्वायर माइनस में आर का स्क्वायर इक्वल टू 18 का स्क्वायर 324 होता है मेरे ख्याल से, ठीक है 324, ठीक है, तो 8 आर स्क्वायर इक्वल टू 324 निकल के आ गया, तो आर स्क्वायर कितना आ गया 324 अपॉन पे 8, ठीक है, 4 दुनिया 8, 4 अठे 32, 4 एकम 4, तो आर आ गया स्क्वायर रूट ऑफ 81 अपॉन 2, 81 का 9 बाहर, ठीक है, तो आ गया 9 अपॉन पे रूट 2 यूनिट या सेंटीमीटर बोल लो, सेंटीमीटर सॉरी 9 अपॉन, ये रहा ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर। तो यहां पर पाइथागोरस लगना है। अब एक बात, कौन कौन से ऐसे बच्चे होंगे जिनको ये लगा होगा कि ये क्वेश्चन जो है ना सिमिलरिटी ऑफ ट्राइंगल से होना है, जब मैंने फर्स्ट टाइम इस क्वेश्चन को देखा ना तो मैंने पहले सिमिलरिटी ट्राइंगल लगाने लग गया, क्योंकि कुछ इस टाइप क्वेश्चन है सिमिलरिटी ऑफ ट्राइंगल का इस्तेमाल करके होता है, फिर बाद में मैंने पाइथागोरस लगाया तो फिर सही आंसर मिला, ठीक है। नेक्स्ट चलते 9 ईयर, आप सभी के स्क्रीन के ऊपर क्या बोल रहे हैं, शोन बिलो इज अ सर्कल एंड सेंटर ऑफ हैविंग एट पॉइंट टेंजेंट पी ए टी एस, तो P पॉइंट पे एक टेंजेंट है, ठीक है, एक T पॉइंट पे है और एक S पॉइंट पे, तीन टेंजेंट हमें दे रखे हैं, ठीक है ओके। QR 12 दे रखा है, ये पूरा QR, ये QR कितना है 12 सेंटीमीटर में दे रखा है, ठीक है समझना, ठीक है। रेडियस 7 है, मतलब ये 7 दे रखा है और ये 7 दे रखा है रेडियस, ठीक है। कह रहा व्हाट इज द पैरामीटर ऑफ पी क्यू टी आर एस ओ, बेटे पी क्यू टी आर एस ओ ये पैरामीटर क्या होगा, ठीक है, तो क्या होगा, बताओ क्या होगा, QP यहां से स्टार्ट करते हैं, QP प्लस PO प्लस OS प्लस RS प्लस QT, बोलो बात समझ में नहीं, ये पैरामीटर होगा, हाँ है ना, देखो पैरामीटर के आउटर बाउंड्री यहां से स्टार्ट करो, QP PO OS RS और QT, ठीक है कितने होंगे, 1 2 3 4 5 6 होंगे, और क्या आएगा साथ में, क्या मिसिंग हो गया, टी आर मिसिंग हो गया, दोबारा लिखता हूँ, ठीक है दोबारा लिखता हूँ, कितना आएगा, तो यहाँ स्टार्ट क्यू से, यहाँ स्टार्ट करो, तो क्यू पी प्लस पी ओ प्लस ओ एस प्लस आर एस प्लस आर टी प्लस टी क्यू, यही होगा, ठीक है ओके। अब क्यू पी कितना है नहीं पता, छोड़ो, प्लस पी ओ 7 है, ओ एस भी 7 है, आर एस नहीं पता, आर टी प्लस टी क्यू, आर टी प्लस टी क्यू क्या बनेगा आपका क्यू आर, जो कि 12 दे रखा है, ठीक है प्लस 12। अब यह हमें क्यू पी नहीं पता, क्यू पी नहीं पता और आर एस भी नहीं पता, आर एस ये नहीं पता, ये भी नहीं पता और ये भी नहीं पता, पर चैप्टर 10 में क्या पढ़ा हम लोगों ने कि एक्सलर पॉइंट से टेंजेंट, क्यूपी क्या टेंजेंट है और ये भी टेंजेंट, दोनों की लंबाई क्या होगी बराबर बराबर होगी, तो जहां पर क्यूपी है वहां पर मैं क्यूटी लिख सकता हूं, ठीक है, तो यहां पर मैंने क्यूटी लिख दिया प्लस में 7 7 14 और प्लस में आर एस, जहां पर आर एस वहां पर लिख दू टी आर, क्योंकि दोनों बराबर है, टी आर और प्लस में 12, ठीक है। अब क्यूटी प्लस में टी आर, क्यूटी प्लस टी आर क्या बन गया, अगेन क्यू आर, जो कि 12 दे रखा है, तो 12 हो गया, तो 12 प्लस में 12 प्लस में 14, तो कितना आ गया बस 38 निकल के आ गया सेंटीमीटर, तो ये हमारे पास क्या हो गया पैरामीटर निकल के आ गया 38, ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। बोलो बात समझ में आई या नहीं, ये बड़ा डेंजर ऑप्शन है,
कैन नॉट से एनीथिंग विद द गिवन इंफॉर्मेशन, कुछ भी नहीं कहा जा सकता। अब कुछ बच्चा सोचेगा हाँ यार बात तो सही है भाई, क्यूपी दे नहीं रखा हम लोग को, आरएस दे नहीं रखा, अगर देता तो पूछ लेता, डाटा भाई इनकम्प्लीट है, इसका मतलब डी टिक कर दो फटाफट से। ना 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 ना, बहुत ही रेयर, नन ऑफ दीज, और ये वाले जो ऑप्शंस होते हैं बहुत ही रेयर टिक होते हैं, ध्यान रखना बहुत ही रेयर, बस 100 में से 7 से 8 क्वेश्चन ऐसा हो सकता है, बट मैक्सिमम टाइम पे आंसर तुम्हारा इसी में होता है, तो इसमें नहीं फंसना, ठीक है। नेक्स्ट नेक्स्ट चल रहा 10, तो 10 ये आप सभी के स्क्रीन के ऊपर क्या बोल रहे हैं, शोन बिलो इज अ टेबल विथ वैल्यूज ऑफ कोसेकेंट एंड सीकेंट ऑफ डिफरेंट एंगल, ठीक है ओके। चलो क्या क्या दे रखा है पहले लिखना शुरू करो, कोसेक 35, देखो ध्यान से, कोसेक 35 डिग्री, ठीक है ये मैं पी दे रखा है ना, देखो कोसेक 35 पी दे रखा है, कोसेक 65 1.1 है, यहां देखो कोसेक 65 डिग्री कितना है 1.1 दे रखा है, ठीक है सेम ऐसी सेक 9, अब सुनना ध्यान से, सेक 90 माइनस थीटा, sec 90 माइनस थीटा जो है cosec थीटा ही होता है, तो नीचे भी आ जाओ, cosec 35 दे रखा है, cosec 35 दे रखा कितना हमें 1.7, और cosec 65 क्यू है, cosec 65 कितना है हमारे पास क्यू दे रखा है, तो क्या बोलेगा फाइंड द वैल्यू ऑफ पी एंड क्यू, पी और क्यू निकालना है, तो अब तो क्लियर हो गया, पी की जगह कितना आएगा, पी हमारे पास 1.7 हो गया, एंड क्यू कितना आ गया, क्यू जो है हमारे पास 1.1 निकल के आ गया, तो ये आपको पता होना चाहिए कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स होते हैं, पी कॉसेक और सेक आपस में कॉम्प्लीमेंट्री होते हैं, पी 1.7 आ गया, क्यू 1.1 आ गया, ऑप्शन नंबर बताओ बताओ बताओ, ये सी इज द राइट आंसर, ठीक है समझ में आया सभी को। नेक्स्ट चलते हैं 11, ये आप सभी के स्क्रीन पर क्या बोल रहे हैं, थोड़ा फास्ट करते हैं, इन द गिवन फिगर पी क्यू आर एस इज अ स्क्वायर, ठीक है पी क्यू आर एस स्क्वायर दे रखा है, व्हाट इज द वैल्यू साइन एसपीटी, साइन एसपीटी एसपीटी ये एसपीटी ये निकालो, ठीक है इसको एक काम करो थीटा मान लो, क्या मान लिया मैंने थीटा मान लिया, क्या मान लिया थीटा, मुझे साइन थीटा निकालना है, साइन थीटा कितना निकल के आ गया ये मुझे निकालना है, ठीक है ओके। अब ये स्क्वायर है, ये पूरा 90 डिग्री होता है, हाँ या ना, ठीक है अगर ये थीटा है तो ये वाला एंगल कितना होगा 90 माइनस में थीटा, ये 90 दे रखा हमें, तो ये कितना होगा बताओ, ये कितना होगा 90 प्लस 90 माइनस थीटा 180 तो आ गया माइनस, ये थीटा होना, ये आपका आ गया थीटा, ये आ गया थीटा निकल के आ गया। अब चाहे साइन थीटा ये निकालो चाहे निकालो, बात क्या है सेम है, अब हमें डाटा जो है वो ट्रायंगल के अंदर का दे रखा था, पूछ बाहर से रहा था, तो दिक्कत बाहर सोच रहे कंफ्यूज क्रिएट कर रहा कंफ्यूजन, भाई तुम सोचोगे थीटा दे रखा है यहां पर, तो साइन होता है पी अपॉन एच, तो पी हो गया एस टी, एच हो गया पी टी, अब ना तो एस टी दे रखा है ना पी टी दे रखा है, अब तुम एस टी पी टी ढूंढते रहोगे बैठ के, भाई पॉसिबल ही नहीं है, तो मैंने क्या दिमाग लगाया थीटा में अंदर लेके चला गया, तो ये थीटा बैठ रहा है, अब आप सुनो ध्यान से, ये थीटा बैठ रहा है, ये सब मिटा दो, इसे मिटा दो, ठीक है अब साइन थीटा निकालना ना हम लोग को, अब थीटा के ठीक सामने देखो एंगल कैसे बन रहा है, ये रहा थीटा के ठीक सामने एक पौधा परपेंडिकुलर, थीटा के ये साथ था बेस, और ये 90 के सामने होता हाइपोटेनियस, ठीक है साइन क्या होता है, साइन थीटा होता है हमारे पास पी अपॉन पे एच होता है, ठीक है पी कितना बताओ, पी हमारे पास 8 है और एच 17 है, तो आ गया आपका आंसर कितना 8 अपॉन पे 17 निकल के आ गया, ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर। अब देखो जो बच्चा यहां से करता सोचता भाई साइन एस पी टी निकालना है, तो इसके सामने ये परपेंडिकुलर है ये हाइपोटेनस है और ये हमें दे नहीं रखा, तो अगेन वी कैन नॉट बी फाउंड विद द गिवन इंफॉर्मेशन, ये बहुत ज्यादा तकलीफ दे सकता है आप सभी को, तो इस बार बिल्कुल ध्यान से करना है, ठीक है अब आगे बढ़ते हैं 12 क्या कह रहा है, शोन द बिलो इज अ सॉल्ट, ये नया पहली बार इस प्रकार का क्वेश्चन सीबीएसई ने दिया है कि यहां पर खुद ही सॉल्यूशन कर दिया, बस हमें चेक करके बताना भी इनमें से कौन सा स्टेप सही है कौन सा गलत है, तो सिंपल से रहता है स्टेप देखते ही हम स्टेप नीचे देखेंगे ऊपर देखेंगे, ऊपर देखो कुछ भी नीचे ढूंढ रहे हैं, अरे 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 ऊपर देखेंगे देखो से, ये ठीक है कोई दिक्कत नहीं है। अगर जिन बच्चों को आइडेंटिटी का फॉर्मूला याद है तो साफ साफ पता होता है, देखो माइनस साइन माइनस है, ये माइनस साइन ऐसा कैसी है, ये जो है ना इस वन के बदले ये लिखा गया है, वन के बदले ये लिखा गया है, लेकिन गलत उल्टा है, कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस में कॉट स्क्वायर थीटा ये वन के बराबर होता है, पर इन्होंने जो है उल्टा लिख दिया, तो स्टेप वन में जो है गड़बड़ है, ऑप्शन में ए इज द राइट आंसर। तो जिन बच्चों को आइडेंटिटी भी याद है वो भी यहां पर एक मार्क्स, तो ये क्वेश्चन अब सोचो जो बच्चा देखेगा देखेगा ओ भाई इतने बड़े क्वेश्चन क्या करेंगे इसमें समझ नहीं आ रहा, पर गलतियां ढूंढनी थी तुमको लगता है गलती से सीबीएसई ने आंसर दे दिया है हमें, ये करेक्ट करना था कौन सा
है ना, कौन सा गलत है ये छांटना था। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं 13 क्या कह रहा है। अ सर्कल विद रेडियस 6 सेंटीमीटर इज शोन बिलो द एरिया ऑफ शेडेड रीजन इन द सर्कल इज ऑफ द, बहुत बढ़िया। अभी जो क्वेश्चन है ना यहां पर सीबीएसई ने कर रखी है गड़बड़, यहां पर इस क्वेश्चन में सीबीएसई ने क्या किया हुआ है, गड़बड़ किया हुआ। क्यों, ध्यान से रीड करो, जिसकी इंग्लिश ठीक है, कह रहा है अ सर्कल रेडियस 6, समझ में आ गया, द एरिया ऑफ शेडेड रीजन इन द सर्कल इज क्या, हाफ ऑफ द, 50% ऑफ द, 5/9 ऑफ द, 1/3, कौन सा। यहां पर इसको एक फ्रैक्शन देना चाहिए था, यहां पर क्या आना चाहिए था, एक फ्रैक्शन जो है वो मिसिंग है, यहां पर क्या है, एक फ्रैक्शन जो है वो मिसिंग यहां पर दे रखा है। तो ये फ्रैक्शन क्या होना चाहिए, वो होना चाहिए यहां पर 5/9 आएगा, कितना आएगा 5/9। तो यहां पर लिखेगा द एरिया ऑफ शेडेड रीजन इन द सर्कल इज 5/9 ऑफ द एरिया ऑफ सर्कल। अब आप पूछोगे सर आपको कैसे पता, क्या सीबीएसई ने आपको अलग से बताया था, अरे नहीं बताया था, मैंने आंसर को देख के फ्रैक्शन क्या एडजस्ट हो रहा था वो मैंने एडजस्ट किया, तो फ्रैक्शन 5/9 एडजस्ट हो रहा है। अब हम आंसर निकालेंगे, तो याद रखना 5/9 दे रहेगा, ठीक है ओके। अब क्वेश्चन को दोबारा रीड करते हैं, फ्रैक्शन वाली पार्ट जो एरर थी वो हमने कर दिया। अब मान लो अगर आपके बोर्ड के एग्जाम में भी ऐसा आता है एरर वाला क्वेश्चन, और अगर आप छोड़ के आते हो तो अंडा मिलेगा अंडा। तो जब भी आपको ऐसा लगे कि क्वेश्चन में कोई एरर है तो आपने उस क्वेश्चन को अटेंड जरूर करना है। अटेंड करने का फायदा क्या होता है, अगर सीबीएसई से ये मिस्टेक हुई है ना तो आपको पूरे 1 मार्क्स मिलेंगे, चाहे आप गलत करो चाहे सही करो, लेकिन जो छोड़ के आएगा उसे कुछ नहीं मिलेगा, ये चीज ध्यान रखना, ठीक है चलो ओके। तो क्वेश्चन कह रहा है कि द एरिया ऑफ शेडेड रीजन इन द सर्कल इज 5/9 ऑफ द, ठीक है, हम क्या लिखेंगे तो फॉर्मूला, ये सेक्टर है, एंगल ऑन थीटा दे रखा है, ठीक है इस तरीके से, ठीक है सुनो, ये सेक्टर हमारे पास दे रखा है, तो एरिया ऑफ सेक्टर कितना हो गया, थीटा अपॉन 360 इंटू पाई आर का स्क्वायर, पाई इंटू आर स्क्वायर, आर कितना 6 है, तो 6 का स्क्वायर, ठीक है ये आएगा क्या है, ये 5/9 ऑफ एरिया ऑफ सर्कल पाई आर का स्क्वायर, ठीक है कोई दिक्कत नहीं ओके। चलो भाई अब करते हैं फटाफट से, तो आर स्क्वायर से तो आर स्क्वायर खत्म हो गया, ठीक है पाई से पाई खत्म हो गया, ठीक है तो आ गया हमारे पास कितना 9 4 30, तो थीटा आ गया 5 × 40 जो कि आ गया 200 डिग्री, तो थीटा आपका जो है वो 200 डिग्री निकल के आ गया, ये वाला ये 200 डिग्री निकल के आ गया। हमें क्या फाइंड करना है, व्हाट इज द लेंथ ऑफ सर्कल ऑफ माइनर आर्क। अब एक तो आर्क ये है यहां से यहां तक का, और एक आर्क आपका ये है, हमें ये तो मेजर आर्क बड़ा आर्क है, हमें छोटे आर्क का निकालना, तो हमें ये लंबाई निकालनी है यहां से लेकर ये लेंथ निकाल, लेंथ ऑफ आर्क निकालना है। ये पूरा 360 होता है तो ये एंगल की नीड पड़ेगी, तो अगर हमारे पास 360 में से 200 माइनस कर देंगे तो 160 हमारे पास एंगल निकल के आएगा, बट थीटा तो चाहिए होगा ना निकालने के लिए, लेंथ ऑफ आर्क निकालने के लिए, तो आइए अब निकालते हैं लेंथ ऑफ आर्क कितना होगा। तो हम बोलेंगे लेंथ ऑफ एन आर्क, लेंथ ऑफ एन आर्क जो कितना आएगा वो आएगा थीटा अपॉन 360 इंटू 2πr निकल के आ गया, ठीक है तो थीटा कितना आ गया हमारे पास 160, तो 160 अपॉन पे 360 इंटू 2πr, पाई कितना पाई के टर्म पे पाई को पुट नहीं करना, और आर कितना हमारे पास 6 दे रहेगा, ठीक है 0 0 खत्म हो गया, 6 6 36 और 2 3 6 आ गया, तो 16π/3, तो आंसर आ गया 16π/3 सेंटीमीटर, ये लेंथ ऑफ एन आर्क निकल के आएगा, ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर। बात समझ में आई, तो यहां पर जो है आपका क्या मिसिंग था, हमें मिसिंग था फ्रैक्शन मिसिंग था इस क्या। नेक्स्ट 14 क्या कह रहा है, 14 कह रहा है द एरिया, अब ये क्वेश्चन देख के थोड़ी कपकपी होगी, अब ध्यान सुनना, तुम्हारे दिमाग में क्वेश्चन आ रहा होगा सर सीबीएसई वालों ने तो पहले कहा था कि आपके पास जो शेडेड रीजन वाला क्वेश्चन नहीं आएगा, ठीक है लेकिन शेडेड रीजन पे अगर सेक्टर सेगमेंट फंसता है तो वो आएगा, ये शेडेड रीजन जो है ना सेक्टर सेगमेंट का ही है, ये सिलेबस से बाहर नहीं है, कंबाइंड फिगर नहीं देगा आपको अनसर्टेन तरीके जो पहले हुआ 12.3 में हुआ करती थी वो नहीं देगा, बट यस सेक्टर और सेगमेंट के शेडेड रीजन वाले क्वेश्चन आएंगे पेपर में, सिलेबस में है, ठीक है। तो कह रहा मैं एरिया ऑफ शेड निकालो, देखो ध्यान से ये ना इक्वल है, सारे पार्ट इक्वल है, मतलब कहने का मतलब क्या है, अगर मैं इसको जोड़ू इस तरीके से तो ये सेक्टर ये सेक्टर ये सब इक्वल है, सब इक्वल पार्ट है, ठीक है तो ये चीज और ये भी सब इक्वल है आपस में, तो ये उठा के ना हम इसको सोचते यहीं पर है, इसी को एज्यूम करो, बात एक ही है, सोलो यही चीज है, सोच लो यही चीज है, ठीक है ये प्लस में ये मिलकर यही बनेगा ना, यही चीज बनेगा ना बड़ा सा वाला, ठीक है तो मैंने इसको यहां कर दिया।
अब क्या हुआ भाई, एक सेक्टर है, इस सेक्टर का एरिया निकाल लेते हैं तो उसे मल्टीप्लाई कर देंगे, ठीक है। अब सेक्टर का एरिया होता है क्या, हम लिखते हैं एरिया ऑफ सेक्टर। तो एरिया ऑफ सेक्टर क्या होता है, वो होता है बस थीटा अपॉन 360 इंटू पाई आर का स्क्वायर। अब देखो क्या क्या दे रखा है, क्या रेडियस गिवन है, यस रेडियस दे रखा 5 है। थीटा कैसे निकालेंगे, ये बहुत जरूरी है, थीटा कैसे निकालेंगे। अब मान लो अगर मैंने एक को थीटा मान लिया, सब बराबर है, तो ये भी थीटा होगा, ये भी थीटा होगा, ये भी थीटा होगा और ये भी थीटा होगा। तो 5 थीटा जो है वो 360 डिग्री बनाएंगे, 5 थीटा पूरा कितना होगा 360, तो 5 थीटा 360 होगा। तो एक थीटा कितना आ गया, वो आ गया 360 डिवाइड बाय 5, तो आ गया 5 सत्ते 35, 5 दूनी 72 डिग्री, तो थीटा 72 निकल के आ गया। सारी बातें पता चल गई हैं, आओ पुट करते हैं, ठीक है। तो आएगा हमारे पास एरिया, थीटा कितना होगा 72 अपॉन पे 360 इंटू पाई, रखना है पाई, हाँ पाई रखना है, नहीं रखना मतलब आर का स्क्वायर, आर कितना है 5 इंटू 5 और इंटू 2, 2 से क्यों इंटू कर रहा हूं मैं, क्योंकि 2 निकालना है, ठीक है। तो 5 दूनी 10 हो गया, 10 से 0 खत्म हो गया, 36 दूनी 72 होता है, 5 दूनी 10 एरिया कितना आ गया 5 दूनी 10 10 पाई सेंटीमीटर का स्क्वायर एरिया निकल के हमारे पास आ जाएगा, ठीक है, सिंपल है। तो क्या करना है, दिमाग लाना कि सर ये कैसे निकालेंगे, कोई कह रहा था सेक्टर में से ट्रायंगल माइनस कर दें, अब ट्रायंगल एरिया कैसे निकालोगे, कॉमन सेंस, थोड़ा कॉमन सेंस इस्तेमाल करना। सीबीएसई चाहती है रटा रटा ज्ञान नहीं, इस बार भाई रटा रटा ज्ञान नहीं चलेगा, सीबीएसई आती है तुम लोग थोड़ा सोचो, जिसके अंदर क्लैरिटी है, जो बच्चा रट के नहीं आया है उसके अंदर एक जेन्युइन नॉलेज है कि हाँ कॉन्सेप्ट जिसके क्लियर है वही क्वेश्चन को पाएगा, एकदम वो नहीं फंसे फंसाए क्वेश्चन के हिसाब किताब नहीं बैठेगा। इसलिए आपको हर एक छोटी छोटी चीज को समझना पड़ेगा और इसके लिए आपको हर चैप्टर का वन शॉट डिटेल में देखना पड़ेगा, और वो कराए कहां पर, ज्ञानी किरण ने। अब मैंने जो है ज्ञानी किरण प्लेटफॉर्म में सारे चैप्टर्स का वन शॉट मैंने करा के आपको दे दिया है, सिर्फ चैप्टर 13 रहता है सरफेस एंड वॉल्यूम, वो भी मैं कल प्रोवाइड कर दूंगा। इसलिए जो है सबका वन शॉट देखो, आपको नहीं सिर्फ एक्सरसाइज में आगे डायरेक्ट भाई रिडक्शन पार्ट अच्छे समझना, ठीक है। चलो नेक्स्ट करते हैं 15, क्या कह रहा है, अ क्यूबॉइड ऑफ बेस एरिया पी, ये काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान सुनना बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। अ क्यूबॉइड ऑफ बेस एरिया पी, क्यूबॉइड इसका बेस एरिया पी दे रखा है, ठीक है, लिख लेते हैं यहां पर बेस एरिया पी है, तो बेस एरिया जो है वो पी दे रखा है, ठीक है, ओके। वाटर अप टू हाइट ऑफ क्यू यूनिट, पानी जो है क्यू यूनिट तक दे रखा है, ठीक है, ओके। अ स्फीयर ऑफ वॉल्यूम आर, एक स्फीयर है, इसका वॉल्यूम कितना रखा है, आर दे रखा है, ठीक है। इस ड्रॉप, इसको इसके अंदर डाला जाता है, तो जाहिर सी बात है पानी बढ़ेगा थोड़ा सा ऊपर, तो मान लो पानी जो है इतना बढ़ता है, ये ऊपर ये पानी बढ़ गया, ये डालने के बाद ना मान लो पानी जो है इतना ऊपर बढ़ गया, तो ये इतना ऊपर बढ़ गया, मान लो एच ऊपर बढ़ा हाइट, तो कह रहा बताओ ये हाइट कितना होगा, हमें वो एच जो है वो निकालना है, हाइट हमें निकालनी। अब सुनो कॉन्सेप्ट क्या होता है, सुनना ध्यान से। अभी जो है पानी नॉर्मल यहां तक था, ठीक है, अब जैसे ही मैंने एक बॉल को, अब बॉल जो डाला इसका वॉल्यूम होगा, जैसे ही मैंने ये बॉल को इसके अंदर डाला, तो इतने वॉल्यूम को एडजस्ट करने के लिए पानी ने उतने ही इक्वल वॉल्यूम का पानी जो है ऊपर कर दिया, हाँ है ना, तो जितना वॉल्यूम इसका होगा इसको एडजस्ट करने के लिए उतना ही पानी ऊपर गया होगा, तो वॉल्यूम ऑफ दिस बॉल इज इक्वल टू वॉल्यूम ऑफ दिस, जो पार्ट है जितना लेवल ऊपर हुआ है उसके वॉल्यूम के बराबर होगा, बस इतना समझना था। हम क्या लिखेंगे, वॉल्यूम ऑफ क्या, वॉल्यूम ऑफ स्पेयर इज इक्वल टू इसके वॉल्यूम क्या आएगा। अब ये क्या है, ये भी क्यूबॉइड होगा, इसकी हाइट क्या h है, तो क्यूबॉइड का वॉल्यूम क्या होता है, एल इंटू बी इंटू एच होता है, क्या होता है, एल इंटू बी इंटू एच होता है, और एच क्या है, मैंने ये वाली हाइट लिया, समझ गए। स्पेयर का वॉल्यूम क्या होता है, वॉल्यूम दे रखा है आर, तो ये आर निकल के आ गया। अब एल इंटू बी क्या है, ध्यान सुनना, एल इंटू बी ये होता है बेस एरिया, एल इंटू बी क्या होता है, किसी भी क्यूबॉइड का बेस एरिया होता है, तो आ गया हमारे पास कितना, बेस एरिया, ठीक है, और मल्टीप्लाई बाय एच निकल के आ गया, और बेस एरिया पी दे रखा था, तो आर इक्वल टू पी मल्टीप्लाई एच, तो एच कितना आ गया, एच आ गया आर अपॉन पे पी निकल के, ठीक है। किसी भी चीज का वॉल्यूम निकालना हो ना, जैसा नीचे वैसी ऊपर हो, तो वॉल्यूम होता है बेस एरिया मल्टीप्लाई हाइट, तो बेस एरिया तो सेम भाई, जितना बेस एरिया इसका था उतना बेस एरिया इसका होगा, तो बेस एरिया सेम पी ही रहेगा, इनटू हाइट एच हो गया, एच निकालना जो ऊपर गया और हमारा एच आ गया आर अपॉन पी,
ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। ठीक है, बात समझ आई, दोबारा समझाता हूं मैं। मेन कॉन्सेप्ट क्या था, जितने वॉल्यूम का आप बॉल इसके अंदर डालोगे उतने वॉल्यूम को एडजस्ट करने के लिए पानी थोड़ा सा, उतना ही वॉल्यूम पानी ऊपर चला जाएगा, जितना वॉल्यूम इसका है उतना ही पानी लेवल ऊपर लाई मतलब रेज करेगा, जितना इसका वॉल्यूम है उतना इस पार्ट का वॉल्यूम होगा। अब ये पार्ट क्या है, ये भी क्या है, क्यूबॉइड है, पतला क्यूबॉइड, इसकी हाइट कितनी है, एच है, लेंथ और ब्रेथ सेम है, बस हाइट कितनी होगी, एच हो गई। तो इसका वॉल्यूम कितना होगा, बेस एरिया इंटू हाइट होता है, तो बेस एरिया इंटू हाइट, बेस एरिया सेम होता है चाहे नीचे हो चाहे ऊपर हो, कहीं से भी लो, वो पी के बराबर आ गया। तो हमने ऐसे निकाल दिया। क्या ये क्वेश्चन आपको समझ में आया? बहुत सारे बच्चे केवल इस क्वेश्चन के लिए भी यहां पर आए होंगे, इस बात की गारंटी। नेक्स्ट चलते हैं 16 ईयर आप सभी के स्क्रीन के ऊपर, ध्यान सुनेंगे, वेरी 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 मस्त क्वेश्चन। अब कुछ क्वेश्चन जो है चैप्टर 14 से, और 14 चैप्टर आपको आपका चाहता है, बहुत ही आसान चैप्टर है। ठीक है, नेक्स्ट, स्विच ही नितेश एंड अशरफ विजिटेड अ हॉस्पिटल फॉर देयर एनुअल बॉडी चेकअप। हर साल हमें बॉडी चेकअप कराना चाहिए, ठीक है, आपको भी कराना चाहिए, ये भी सेम ऐसे गए। विच इंक्लूड अ ब्लड प्रेशर इवेल्यूशन, द रिजल्ट ऑफ द सिस्टोलिक ब्लड प्रेशर रीडिंग आर एस फॉलोज। ठीक है, तो भाई क्या कहते हैं, 115 से लेकर 125 तक 10 पेशेंट ऐसे थे, 9 पेशेंट ऐसे थे जिनका ब्लड प्रेशर जो है इसमें लाई कर रहा था, 12 पेशेंट ऐसे इसमें इतना इतना लाई कर रहा था। ठीक है, तो कह रहा है, हु अमंग द थ्री फ्रेंड्स हैव अ ब्लड प्रेशर रीडिंग दैट फॉल्स इन मॉडल क्लास, किसका जो ब्लड है मतलब प्रेशर है, ब्लड प्रेशर वो मॉडल क्लास में लाई कर रहा है, इन चारों में से हमें बताना, स्वीटी का, नितेश का, अशरफ का या बोध का। ठीक है, मतलब मॉडल क्लास निकालना हमें, बेसिकली सिंपल आसान भाषा में बताओ निकालना क्या है, मॉडल क्लास निकालना है। और मॉडल क्लास कैसे निकाला जाता है, सबसे हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी, हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी क्या है हमारे पास, ये 19 है, तो ये जो क्लास होती है हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी वाली, इस क्लास को मॉडल क्लास बोलते, क्या बोलते हैं, मॉडल क्लास हम लोग बोलते हैं। अब हमें चेक करना है, किसका चेक करना है, कि किसका लाई कर रहा है, तो स्वीटी का इतना है, इतना इतना, कौन सा लाई कर रहा था इसके बीच में, ये रहा नितेश का, तो नितेश का जो है ब्लड प्रेशर वो मॉडल क्लास के बीच में लाई कर रहा है, 145 से बड़ा, 145 से बड़ा, 155 से छोटा, इसके बीच में नितेश का लाई कर रहा है। ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। बोलो बात समझ आई सभी को, क्या सभी को बात समझ आई, हमसे पूछा गया था कि मॉडल क्लास में किसका ब्लड प्रेशर लाई करेगा। नेक्स्ट चलते हैं 17 ईयर आप सभी के स्क्रीन के ऊपर क्या बोल रहे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन 17 भी चैप्टर 14 से ही है, और चैप्टर 14 का मतलब क्या है, ये क्वेश्चन भी आसान होने वाला है। क्वेश्चन क्या कह रहा है, द टेबल बिलो डेपिक्स द वेट ऑफ स्टूडेंट ऑफ क्लास 6 ऑफ रेड ब्रिक्स पब्लिक स्कूल। लाल 8 पब्लिक स्कूल हमारे पास दे रखा है, और बच्चों का वजन नापा गया, 6 क्लास के बच्चों का वजन नापा गया। ठीक है, फिर मतलब क्या है, 6 बच्चे ऐसे हैं जो कि 25 से 28 के, मतलब 25 से ऊपर, 28 से नीचे वेट है उनका, 28 से ऊपर, 31 से नीचे वाले 8 बच्चे ऐसे हमारे पास बच्चे सबको दे रखा है, और ये हमारे पास क्वेश्चन मार्क दे रखा है। ठीक है, आगे चलते हैं। देयर आर 18 स्टूडेंट इन द क्लास दैट वे अबव द मीडियन वेट। मीडियन वेट से ऊपर 18 ऐसे बच्चे इनका मीडियन वेट से ऊपर वेट है। ठीक है, इफ देयर आर नो स्टूडेंट विद द सेम वेट एज मीडियन, और जितना मीडियन वेट है ना उतना वेट किसी भी बच्चे का नहीं है, कोई भी ऐसा बच्चा नहीं इसका वेट मीडियन वेट के बराबर दे रखा है, दैट इज वेरी गुड। हाउ मेनी स्टूडेंट वे बिटवीन द रेंज, इसके बीच में कितना लाई करेंगे। तो आपको बताए, जब भी हम मीडियन क्वेश्चन करते हैं तो सीएफ बहुत बड़ा रोल प्ले करता है। तो आइए पहले सभी प्यारे प्यारे बच्चों सीएफ निकालते हैं। तो ये आ गया 6, तो आ गया 6 और 8, 6, 14 ऐसे प्लस करते हैं, ये 21 आ गया, ये 31 आ गया, इसको हम लोग एक्स मानते हैं, तो 31 प्लस में एक्स निकल के आ गया। अब ध्यान सुनना, ये हमारे पास जो है ना वो एन होता है, क्या होता है ये एन हमारे पास आ गया, 31 प्लस में एक्स निकल के आ गया। ठीक है, अब ध्यान सुनना, अब इसने क्या बोला है कि हम मीडियन निकालते कैसे, हम निकालते हैं मीडियन एन अपॉन टू करके, तो एन अपॉन टू कितना आ गया हमारे पास, वो आ गया 31 प्लस में एक्स अपॉन टू। और फिर हम लोग चेक करते हैं कि सी एफ में एन अपॉन टू से जस्ट बड़ा सी एफ कौन सा होगा, और वही हमारे पास मीडियन क्लास निकल के आता है। ठीक है, यही करते थे। अब यह सबसे इंपॉर्टेंट बात ध्यान सुनना, क्या कह रहा हूं, इन्होंने पहले बोला कि 18 स्टूडेंट ऐसे हैं जो कि मीडियन वेट से ऊपर है, 18 स्टूडेंट ऐसे हैं जो कि मीडियन वेट से ऊपर है। ठीक है, फिर बोला है इफ देयर आर नो स्टूडेंट विद द सेम वेट, और मीडियन वेट के बराबर कोई भी स्टूडेंट नहीं है। अब 18 हमारे पास स्टूडेंट जो मीडियन वेट से ज्यादा है, और फिर कह रहा है मीडियन वेट के बराबर कोई वेट नहीं है, इसका मतलब साफ साफ ये हुआ कि हमारे पास जो एन अपॉन टू जो है वो किसके बराबर आएगा, वो हमारे पास 18 के बराबर निकल के आएगा। ठीक है, यहां तक अब क्या करेंगे, नीचे वन लगाएंगे, क्रॉस मिला करेंगे, तो 331x प्लस में कितना आएगा, 38, तो x कितना आ गया हमारे पास, वो आ गया 36 माइनस में 31, और x जो है हमारे पास वो 5 निकल के आ जाएगा। तो ऑप्शन कौन सा होगा, ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर, 5 जो है इसका आंसर बिल्कुल सही निकल के आएगा। ठीक है, अब हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन 18 पे, क्या कह रहा है,
गिनी फ्लिप्ड अ फेयर कॉइन थ्री टाइम्स, ठीक है, गिनी ने, ठीक है, एक कॉइन को तीन बार उछाला है, एंड टेल कम ऑफ ईच टाइम, तीन बार सिक्का उछाला बट तीन बार टेल आ गया, ठीक है, ओके. गिनी वॉन्ट्स टू फ्लिप द कॉइन अगेन, और उसने एक बार सिक्का और उछाला, ठीक है. व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग हेड इन द नेक्स्ट कॉइन, अब जो कॉइन उछाला उसमें हेड आने की प्रोबेबिलिटी क्या होगी. देखो प्रोबेबिलिटी जो है ना पहले से कोई मतलब नहीं, अब जरूरी नहीं कि तीनों बार टेल आ गया तो चौथी बार अब टेल ही आएगा, या चांस बढ़ गया टेल आने का, ऐसा कुछ नहीं होता. अब चौथा जो कॉइन उछाल रहे हैं ना हम लोग, ये कॉइन इंडिविजुअली कॉइन उछालने की तरह ही है, तो हेड और क्या आएगा टेल, दोनों के चांस आने की अपॉर्चुनिटी बराबर बराबर है. तो कह रहे हैं प्रोबेबिलिटी हेड, हेड आने की प्रोबेबिलिटी, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ हेड कितना आएगा हमारे पास 1/2 निकल के आएगा, जो कि 0.5 होगा, 0.5 हमारे पास निकल के आएगा. ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर, ठीक है. नाउ सेकंड लास्ट क्वेश्चन 19 क्या बोल रहा है ये समझ में आया नहीं आया भाई. तीन बार सिक्का उछाला उससे कुछ भी आए हमें उससे मतलब नहीं, चौथी बार फिर से सिक्का उछाला ना हमने, अब कह रहा है हेड आने की प्रोबेबिलिटी क्या होगी, तो सेम होगी भाई, हेड भी और टेल भी वही 50-50 चांस है, 1/2 ये आंसर निकल के आएगा. नेक्स्ट सेकंड लास्ट क्या कह रहा है, अ नंबर क्यू इज अ प्राइम फैक्टराइजेशन इतना, तो कह रहा है क्यू जो है उसका प्राइम फैक्टराइजेशन क्या कितना है, 3 का स्क्वायर, ठीक है, मल्टीप्लाई बाय 7 का स्क्वायर मल्टीप्लाई बी निकल के आ गया, ठीक है. इफ बी इज अ प्राइम नंबर अदर देन 3 एंड 7, 3 और 7 के अलावा बी कोई प्राइम नंबर है, ठीक है, ओके. अब कह रहा है कि असर्शन जो है ना बताना है, असर्शन कह रहा है कि क्यू इज डेफिनेटली एन ऑड नंबर, क्यू जो है वो ऑड नंबर होगा क्या डेफिनेट है, ठीक है. अच्छा एक बताओ, बी प्राइम नंबर 3 और 7 को छोड़ के, तो 2 भी तो प्राइम नंबर होता है ना, अगर मान लो यहां पर 2 आ गया, तो जो अगर यहां पर 2 आ जाएगा तो ये पूरा क्या बन जाएगा, इवन बन जाएगा, तो डेफिनेटली ऑड नंबर, ये बात क्या होती है गलत होती है, असर्शन इज फॉल्स. फिर कह रहा है कि 3 का स्क्वायर 7 का स्क्वायर एक ऑड नंबर है, ये बिल्कुल सही बोला है भाई, इतना तो ऑड नंबर है ही ना, ये तो ऑड नंबर है, फिर अगर बी 2 होगा तो इवन बन जाता है, तो रीजन क्या है, 2 है, तो असर्शन इज फॉल्स बट रीजन इज ट्रू, असर्शन इज फॉल्स बट रीजन ट्रू, ठीक है, ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर, ठीक है. नेक्स्ट चलते हैं लास्ट क्वेश्चन 20 क्या कह रहा है, कह रहा है पी एंड क्यू आर 2 पॉइंट्स ऑन द कोऑर्डिनेट प्लेन, ठीक है, तो पी और क्यू 2 पॉइंट है, मान लो कोई 2 पॉइंट ये मान लो इस तरीके से, ठीक है, तो एक पॉइंट ये दे रखा है, एक पॉइंट आपस ये दे रखा है, ठीक है, इस तरीके से P और Q, ठीक है. फिर इसने बोला 2 स्टेटमेंट दे रखा है, देर आर मेनी पॉइंट्स, नहीं सर असल नहीं रहा, द मिड पॉइंट 0.2 इज द ओनली पॉइंट विच इज इक्वल डिस्टेंस फ्रॉम P और Q, कह रहा P और Q से Q के बराबर एक ही पॉइंट आएगा जो कि आएगा 0.2, क्या ये बात सही है या गलत है, दो पहले बात ऐसा जरूर नहीं एक ही पॉइंट आएगा, क्यों सुनना ध्यान से, ठीक है, ये पॉइंट भी हो सकता है दोनों से बराबर डिस्टेंस पर हो, हो सकता है ये पॉइंट दोनों के बराबर डिस्टेंस पर हो, हो सकता है ये पॉइंट डिस्टेंस बराबर हो, तो ऐसे इनफाइनाइट पॉइंट हो सकते हैं जो कि 2 पॉइंट से इक्वल डिस्टेंस पर हो, तो केवल एक ही बोलना ये गलत है. 0.2 भी अगर बोलता 0.2 इज वन ऑफ द मिड पॉइंट तो सही रहता कि हाँ इनमें से कोई एक है, लेकिन ओनली बोल देना कि यही इकलौता ऐसा है, ये बात क्या होगी गलत होगी, तो असर्शन इज फॉल्स हो जाना, ठीक है, तो हम क्या बोलेंगे असर्शन इज फॉल्स, ठीक है. रीजन क्या बोला, देयर आर मेनी पॉइंट्स, बहुत सारे पॉइंट हो सकते हैं जो कि इक्विडिस्टेंस होंगे, ठीक है, तो P और Q के, तो P हमारे पास दे रखा है, क्यू दे रखा है, ठीक है, तो मान लो कोई पॉइंट ले मैंने x, y, ठीक है, और ये पॉइंट क्या दे रखा था हमें -2.5, और ये क्या दे रखा था हमें 2.1, ठीक है, तो ये P और Q था, ठीक है, मान लो ये R था, ठीक है, तो P R, ठीक है, और इज इक्वल टू आर क्यू, स्क्वायर लगा दो इस तरीके से, तो P R कितना आएगा, तो x --2 +2 का होल स्क्वायर, y -5 का होल स्क्वायर, और x -2 का होल स्क्वायर, और y +1 का होल स्क्वायर, ठीक है, तो यस रीजन क्या है, ट्रू है, रीजन क्या है, ट्रू है, तो असर्शन इज फॉल्स बट रीजन इज ट्रू, ऑप्शन नंबर क्या है, डी इज द राइट आंसर. तो इस तरीके से CBSE का दिया हुआ एडिशनल सैंपल पेपर का जो सोल्यूशन था वो कंप्लीट हुआ. अब आप एक बात ध्यान सुनना, बाकी जो सेक्शन है, सेक्शन आपका BCD, इनका सॉल्यूशन आपको दे रखा है, ठीक है. अब जिसका सॉल्यूशन आप लोगों को पता है उसको करा के टाइम वेस्ट करने का कोई फायदा नहीं है इनकेस, लेकिन फिर भी बहुत सारे ऐसे बच्चे होते हैं सॉल्यूशन देने के बाद भी कहते हैं सर उसका भी एक बार एक्सप्लेन कर दो. अगर आप चाहते हो बाकी सेक्शन का भी मैं कंबाइंड वीडियो बना के अपलोड कर दूं तो मुझे कमेंट जरूर करना, क्योंकि सारे बाकी सेक्शंस के आपको सॉल्यूशन दे रखे हैं और वहां से बहुत बच्चों की हेल्प हो जाती है ऑटोमेटिक, तो करने नीड नहीं पड़ती. लेकिन अगर आप चाहते हो, देखो इसका डिटेल सॉल्यूशन नहीं होता, केवल ऑप्शन लिखा होता भाई ये टिक है, अब ये क्यों है नहीं पता. जैसे कि बहुत सारे ऐसे क्वेश्चन थे भाई हमारे पास का आंसर जो है ये क्यों है, R / Q है,
PQ है, तो इसका डिटेल सोल्यूशन नहीं होता, तो इसका जो है टीचर कर्तव्य बनता है कि हम लोग आके इसको समझाएं, तो हमने पूरा करा दिया। अब अगर आप आगे सेक्शंस का भी चाहते हो तो जो है मुझे कमेंट जरूर करना, मैं जल्द से जल्द जो है कंप्लीट वीडियो बना के आपको दे दूंगा। अब ध्यान सुनना, अब इस प्रकार के क्वेश्चन हमारे एग्जाम में आ रहे हैं, तो सर क्या ऐसे क्वेश्चन आना एग्जाम में, तो हम प्रैक्टिस कहां से करें? देखो सिंपल सी बात है, जो भी एडिशनल पेपर हर बार सीबीएसई लॉन्च करती है ना, उस बेसिस पे पेपर बहुत कम चांस रहते बनेंगे, पर जो पहले लॉन्च करती है उसके हिसाब से पेपर बन रहा होता है। हर साल सीबीएसई ऐसा करती है, एक मुश्किल पेपर देती ताकि बच्चे अपनी प्रिपरेशन को अच्छे से टाइट कर ले, ठीक है? तो आपने क्या करना है, एनसीईआरटी का वन शॉट तो भाई बेसिक करना ही करना है, इसके साथ साथ एक्स्ट्रा क्वेश्चंस कहां से करें वो आपको करना है सुपर 30 से। तो ज्ञानी कीड़ा के प्लेटफॉर्म में सुपर 30 सीरीज चल रही है, उसकी प्लेलिस्ट की लिंक जो है मैंने डिस्क्रिप्शन डाल दिया, हर चैप्टर से 30 मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, और ये क्वेश्चन कलेक्ट किए कहां से, आपके आरडी शर्मा, आरएस अग्रवाल, एनसीईआरटी एग्जाम्पल से, तो काफी इंपॉर्टेंट ये बन जाता है, कंबाइन है। तो आप प्लीज जो है सुपर 30 की वीडियोस को आराम से देखना, और इन सबकी पीडीएफ आपको ड्राइव के लिए मिल जाएगी, और उसका भी लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में डाल रखा है। और साथ ही साथ में एक और चीज है, आपको सारे लेक्चर्स को भी डाउट कुछ भी निकल के आता है तो हमारा व्हाट्सएप नंबर भी है, टेलीग्राम चैनल भी है, तो वो आप नीचे डिस्क्रिप्शन देख सकते हो। और साथ में एक हमारे पास GK 24/7 एक हेल्प सपोर्ट हमारे पास है आप सभी के लिए, टेलीग्राम पे आपको एक बॉट सर्च करना है @GKHelpDeskBot, ठीक है? ये बॉट है, इस बॉट के अंदर आपको कोई भी वीडियो, कोई पीडीएफ, कुछ भी चाहिए, कोई डाउट होता है ये आपको सजेस्ट करेगा, ठीक है? तो ये आप जरूर सर्च करना। तो आज की वीडियो में इतना ही, आप लोग सब बताना कि आपको कैसा लगा, आप क्या फीडबैक देना चाहते हो। ये 100 में से अगर मैं मार्क्स दूंगा तो क्या टफ लेवल कितना है, 80% 90%, मुझे कमेंट बॉक्स में बताना। चैनल को सब्सक्राइब नहीं, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में किसी और इंपॉर्टेंट टॉपिक को लेकर। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, तब तक के लिए हरे कृष्णा।